प्रदेश के कुशीनगर ज़िले से हूँ और मैंने स्कूलिंग अपने कुशीनगर ज़िले से ही किया है और मैंने ग्रेजुएशन की शिक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से BS उत्तीर्ण किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से एनसेंट थीसिस किया है और मेरी उपलब्धि है कि नेट क्वालिफाई एंड मेरी हॉबी फोटोग्राफी सर। व्हाट इज दिस कंटेम्प्रेरी इंडिया, इज दिस अ सब्जेक्ट? यस सर। क्या सब्जेक्ट है? और आफ्टर स्वतंत्रता के बाद जो मतलब मॉडर्न हिस्ट्री है। यस सर। इसे कंटेम्प्रेरी इंडिया सब्जेक्ट। यस सर। ओके, अब ये बताइए कि आप केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में क्यों जाना चाहते हैं? सर, सबसे पहले तो ये एक सामाजिक प्रतिष्ठित नौकरी राजपत्रित होने के कारण और इसकी इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत सारे योगदान है और सर और ये गुड यूनिफॉर्म है, अच्छी सैलरी है इसकी वजह से। सर BSF क्या रोल अदा करती है? सर BSF का मतलब ये सीमा सुरक्षा एक बल है जो भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के उस पर मतलब सिक्योरिटी का काम करती है। भारत सरकार ने भी एक योजना लागू की है किसानों के लिए, जिसके तहत हर किसान कुछ किसानों को वर्ष में 6,000 रुपये महीने दिए जा रहे हैं। जी सर। उस योजना का क्राइटेरिया क्या है और उसका नाम क्या है, बताएंगे सर इसके बारे में? नहीं पता। उज्ज्वला योजना क्या है? उज्ज्वला योजना सर एक तो 2007 में आई थी वो और एक 2015 में आई है सर। 2015 में जो आई है उसका एक मतलब गरीब परिवार को फ्री सिलेंडर देना। गरीब परिवार से क्या मतलब? जो मतलब कॉस्ट सेंसस 2011 जनसंख्या वाला है 2011 के अनुसार जो गरीब श्रेणी में आते हैं उनके लिए। गरीब की श्रेणी क्या है सर, इसका क्राइटेरिया नहीं पता सर। भारत की GDP ग्रोथ आज की डेट में क्या है? पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की GDP ग्रोथ क्या रही? लगभग 7 के आसपास है सर। भारत सरकार ने अभी रिजर्व बैंक ने अभी रेपो रेट थोड़ा सा कम किया है। यस सर। कितना किया है? 6% सर। इससे आम जनता को क्या फायदा हो सकता है? सर रेपो रेट कम करने से मतलब जनता के पास बैंक से लोन ज़्यादा ले सकेंगे तो उनके पास पैसे ज़्यादा आ सकते हैं। मतलब समानों के साथ समान व्यवहार। यस सर। ठीक है, समानों के साथ समानता का व्यवहार संविधान में कहीं लिखा है? यस सर। कहाँ लिखा है और इसका क्या मतलब है? आर्टिकल 14 है, मतलब जिसको जितनी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से उसको। ठीक, यस सर। सर सिंधु सभ्यता घाटी का ड्यूरेशन है 2350 के BC से लेके और 1750 के आसपास मानी जाती है इसके, और ये सप्त सिंधु प्रदेश में है जब सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से अलग कैसे? सर सिंधु घाटी सभ्यता एक सुनियोजित तरीके से बसाई गई थी, नगरीय सभ्यता थी और जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी और इनके व्यवसाय वैदिक सभ्यता की व्यवसाय थी मतलब पशुचारण प्राथमिक थी और कृषि द्वितीय व्यवसाय था और सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि प्रमुख पेशा था और व्यवसाय पशुपालन द्वितीय पेशा था इसमें। सर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लौकिक जीवन पर बल देते थे और वैदिक सभ्यता में आगे पारलौकिक जीवन कर्मकांड से परिपूर्ण हो गया। तो सर उसमें तो पहले से 4 आर्य सत्य दिया था, जो दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है और दुख निरोध प्रतिगामी अष्टांगिक मार्ग दिया था और मतलब कर्मकांड का विरोध किया था और उपभोक्तावादी चीज़ों का मतलब त्याग करने के लिए बोला था। और इस साम्राज्य का भारतीय इतिहास में क्या योगदान है? मौर्य साम्राज्य ने भारत को एक केंद्रीकृत स्वरूप प्रदान किया था जिसमें काफ़ी मतलब मौर्य साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान तक हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे और उससे उसके शासन में काफ़ी योगदान था। अच्छा, अशोक को महान बोला जाता है। यस सर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो महानता को प्रदर्शित करते हैं? सर
और उनके मानते हैं कि कई कारण बताए जाते हैं, जैसे कि उन्होंने मानव धन पे ज़्यादा काम किया था मानवों के लिए, मतलब तलवार के बल पे शासन को नहीं स्थापित किया था, अपने धर्म के माध्यम से उसने शासन को मतलब शांतिपूर्ण तरीके से बनाने के लिए प्रयास किया। अशोक के लिए कलिंग का क्या महत्व? सर, कलिंग के युद्ध के बाद से उन्होंने मतलब युद्ध कलिंग का महत्व कलिंग के युद्ध सर वही बता रहा हूँ, कलिंग के युद्ध के पश्चात उन्होंने अपना मतलब तलवार के बल पर मतलब युद्ध वगैरह करना छोड़ दिया था और शांति के मार्ग पर चलना, अहिंसा का मार्ग अपनाया था उन्होंने। तो उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया क्यों था? कलिंग पर आक्रमण करने का प्रमुख उद्देश्य था कि जो पूर्वी बंदरगाह था उस पर मतलब अपने राज्य मिलाने के लिए, क्योंकि उसका व्यापारिक मार्ग ज़्यादा, क्योंकि उस समय बाह्य व्यापार वहाँ से बंदरगाह से होता था सर, उसका नाम शायद ताम्रलिप्त थी। यस सर, बहुत बड़ा नाम है। यस सर, यस सर, सर संदीप का मतलब जानते हैं, मुझे पता है एक अच्छा चलता हुआ दीपक। सर पहली बार तो 1971 में जब लगाई गई थी वो बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाई गई थी, और जो दोबारा 1975 में लगाई गई थी वो आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर सर ज़्यादा नहीं। सर हो सकता है कि एक मतलब, हाँ सर हो सकता है कि उसकी एग्जैक्टली नहीं समझ पा रहा है, हो सकता है सर एक अमीर हो एक दूसरा गरीब हो सकता है, तो वो नहीं, ये तुम गलत है सर। यस सर, सर भीमराव अम्बेडकर जी का डेट ऑफ बर्थ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उनका योगदान था, और दलित वर्ग के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया सर। पहले लॉ मिनिस्टर सर, महात्मा गांधी जी चाहते थे कि मतलब दलित वर्ग को लेके उन दोनों में मतभेद था, जैसे पूना पैक्ट जो हुआ था उसको लेके, और उसमें मतलब भीमराव अम्बेडकर जी का कहना था कि मतलब दलित जो जो भेदभाव किया जाता है उनके साथ उनको वैधानिक तरीके से समाप्त किया जा सकता है, लेकिन गांधी जी का मत था कि उनके बीच मतलब हृदय परिवर्तन के माध्यम से इसको खत्म किया जा सकता है। सर अम्बेडकर जी का ज़्यादा था, क्योंकि हृदय परिवर्तन इतना जल्दी संभव नहीं था उसमें। यस सर, अच्छा बताइए,
रिसेंटली गवर्नमेंट ने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए कोटा एक तो जो ये कोटा है किस किस क्राइटेरिया में मिलेगा, कौन कौन इंटेंडेड है? सर एक तो वो है कि जिसके इनकम सालाना 8 लाख से कम है और जिसके पास 5 हेक्टेयर से कम भूमि है और सर दो ही आ रहे हैं। ये पिछड़ा वर्ग है, उससे संबंधित है सर, पिछड़ा वर्ग से ओबीसी से। शायद 6 लाख के आसपास है, अगर कोई है तो उसको ऊपर क्रिमिनल के ऊपर आएगा, मतलब टाइम नहीं है। 6 लाख क्या रेट है? शो नहीं है सर, पिछड़ा आयोग से संबंधित है। माइक निकाल के चाहिए।